मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूं। मैं हिप्नोथेरेपी करता हूं। हिप्नोसिस के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैमरिंग करना, सजेशंस देना, और जब हम बार 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 सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो हैमरिंग करते हैं, वो सजेशन हम देते हैं, वो सूचनाएं हम देते हैं, तो उसका परिणाम फिर अपने जीवन में, पुरुष के जीवन में हमको दिखता है। ये अफर्मेशंस जो है, इसको बोलते हैं अफर्मेशंस, सकारात्मक सूचनाएं, वो हमने अपने आप को देने का है। वो सूचना कौन सी है मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक कोच के ऊपर लेट सकते हैं या बेड के ऊपर लेट सकते हैं, आंखें बंद है, एकदम पूरा बदन रिलैक्स है, पूरा बदन रिलैक्स 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 करने का है। दोनों पैर, पेट, कमर, पीठ, दोनों हाथ, जबड़ा, चेहरा, सिर, पूरा बदन रिलैक्स 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 करने का है, आंखें बंद करने का है, और सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है, पॉजिटिव सूचनाएं देना है, सकारात्मक सूचनाएं देना है। और वो सूचनाएं देते देते ज्यादातर बार बार अपना मतलब उसमें विजुअलाइजेशन करने का है, इमेजिनेशन करने का है, अपने आप को देखना है। अभी जैसा मैंने बोला एलिफेंट, तो एलिफेंट बोलने के बाद में आपको क्या ख्याल में आया? साहजिक है, आपको हाथी का चित्र सामने दिखा। मैंने बोला आपको मदर, तो मदर आपने बोला, तो आपको मैंने बोला मदर, तो आपको मदर का चेहरा ख्याल में आया या मदर का चेहरा सामने दिखा। आपको एम ओ टी एच ई आर मदर का स्पेलिंग नहीं दिखा। या एलिफेंट, मैंने बोला हाथी, तो हाथी तो ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट ऐसा उसका स्पेलिंग दिखा नहीं। या हाथी यानी ह हाथी ऐसा नहीं दिखा, उसका पिक्चर दिखा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर दिखता है, चेहरा चेहरा मतलब उसका विजुअलाइज होता है, इमेज दिखता है, पिक्चर दिखता है, उसको शब्द नहीं दिखते। तो जब आप सकारात्मक सूचनाएं लेंगे खुद को, तो आपने जितना अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो वो सिचुएशन में, खाली सिचुएशन में अपने आप को विजुअलाइज करना है, और वो विजुअलाइजेशन में अपने आप को देखना है। जैसा आप बोलते हैं कि मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ मैं कैसा दिखूंगा, कैसी बात करूंगा, कैसा शेकहैंड करूंगा, लोगों के सामने कैसा पेश होऊंगा, वो अपने आप को देखना है और सूचनाएं भी देने की। तो ऐसे अलग 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 मैं सूचनाएं दूंगा। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस है, ये सुबह उठने के बाद में जब आप फ्रेश होते हो तब अपने आप को देना है, रात को सोने के पहले देने का है, जब जब टाइम मिले तब एक साथ पूरी दो या कुछ उसमें का पार्ट निकाल के थोड़ी सी दो, मगर रोज दो। हम अपने आप से नकारात्मक बात करते रहते, नकारात्मक सूचनाएं अपने आप को देते रहते, अभी उसके बदले सकारात्मक सूचनाएं देना है। तो भी हम शुरू करते हैं, भाई आपने लेटना है, रिलैक्स होना है, और मैं सूचनाएं देता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपने मैं मतलब अपने आप को बोलना है मैं। तो शुरू करते हैं, मैं बहुत सफल और अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत सफल और अच्छा इंसान हूं, जिंदगी में आने वाली कोई भी घटनाओं का सामना मैं शक्तिशाली रूप से कर सकता हूं, जिंदगी में आने वाली कोई भी घटनाओं का सामना शक्तिशाली रूप से मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, कोई भी वातावरण में मैं खुद को शांत कर सकता हूँ,
कोई भी वातावरण में मैं खुद को शांत कर सकता हूं। मैं हरदम उत्साहित और प्रेरित रहता हूं। मैं बहुत उत्साहित और प्रेरित रहता हूं। कोई भी कठिन परिस्थिति में मैं सकारात्मक रहता हूं। कोई भी कठिन परिस्थिति में मैं सकारात्मक रहता हूं। कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति में मैं बहुत रिलैक्स और शांत रहता हूं। कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति में मैं बहुत रिलैक्स और शांत रहता हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं। मेरा मुझ पर और बाकी लोगों के ऊपर बहुत भरोसा है या विश्वास है। मेरा मुझ पर और बाकी लोगों के ऊपर बहुत भरोसा और विश्वास है। मैं बहुत शक्तिशाली इंसान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली इंसान हूं। दिन ब दिन हर दिन हर क्षेत्र में मैं रोज प्रगति कर रहा हूं, अच्छा होते जा रहा हूं। दिन ब दिन हर रोज हर क्षेत्र में मैं अच्छा होते जा रहा हूं और मैं प्रगति कर रहा हूं। परिस्थिति कैसी भी हो, मैं बहुत शांत रिलैक्स रहता हूं। परिस्थिति कैसी भी हो, मैं बहुत शांत और रिलैक्स रहता हूं। कोई भी काम मैं आत्मविश्वास के साथ में करता हूं और मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी काम मैं आत्मविश्वास से करता हूं और मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोज रात को गद्दी पर लेटे लेटे
मुझे बहुत गहरी गहरी नींद आती है और सुबह उठने के बाद में मुझे बहुत ही फ्रेश लगता है, एंथुजियास्टिक लगता है, एनर्जेटिक लगता है। रोज रात को गद्दी पर लेटे लेटे मुझे बहुत गहरी नींद आती है और सुबह उठने के बाद में मुझे बहुत ही उत्साहित लगता है, प्रेरित लगता है, अच्छा लगता है। मेरे मन में आने वाले बार बार के नकारात्मक विचार मैं बाजू में रखता हूँ, उसको बेदखल करता हूँ और मेरे काम के ऊपर मैं पूरा नियंत्रण लाता हूँ। पढ़ाई करने के समय या कोई भी काम करने के समय मेरा पूरा ख्याल पढ़ाई में या काम में रहता है और मेरी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नकारात्मक विचार मैं बाजू में रखता हूँ और मेरे मन में मैं बार बार सकारात्मक विचार लाता हूँ। बार बार के जब विचार मेरे मन में आते हैं, बिना कारण के फालतू के विचार आते हैं, उसको मैं बाजू में रखता हूँ और मेरे काम के ऊपर मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं हरदम खुश रहता हूँ, सकारात्मक सोचते रहता हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं मेरी जिंदगी में सफल हो जाऊँगा। मैं हरदम खुश रहता हूँ, मेरा आदर करता हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं जिंदगी में सफल हो जाऊँगा। बार बार के आने वाले विचार दिन ब दिन कम कम होते जाएंगे, वो मैं बाजू में रखूँगा, उसको बेदखल करूँगा और अपना पूरा ख्याल मेरे काम के ऊपर रखूँगा, जिससे मेरी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं मेरे ऊपर प्यार करता हूँ, खुद का सम्मान करता हूँ और खुद को हरदम खुश रखता हूँ। मैं मेरे ऊपर प्यार करता हूँ, खुद का सम्मान करता हूँ और हरदम खुश रहता हूँ। हर रोज रात को गद्दी पर लेटे लेटे मुझे बहुत गहरी गहरी नींद आती है और सुबह उठने के बाद में मुझे बहुत ही फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, एंथुजियास्टिक लगता है।
मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ और खुद को बहुत तंदुरुस्त रखता हूँ। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ और खुद को एकदम तंदुरुस्त रखता हूँ। हर सुबह मैं प्रसन्नता के साथ उठता हूँ। हर सुबह मैं प्रसन्नता के साथ उठता हूँ। आज की सुबह मेरे लिए एक नया मौका देगी जिससे मैं पहचान लूंगा। आज की सुबह मेरे लिए एक मौका देंगी जिससे मैं पहचान लूंगा। मैं खुद के निर्णय के ऊपर पूर्णतः विश्वास करता हूँ। मैं खुद के निर्णय के ऊपर पूर्णतः विश्वास करता हूँ। मैं मेरे लाइफ का लीडर हूँ। मैं मेरे लाइफ का लीडर हूँ। मेरे लाइफ में जो भी चीज हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लोगों के साथ में भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह की सूचनाएं देने के बाद में आपने खुद को वो रिलैक्स अवस्था से जागृत करना है। जैसा 3-2-1 ऐसा बोल के फिर उठ जाने का है। हमेशा ख्याल रखो कि जब ये सूचनाएं आप देंगे तब आप एक कमरे में रहेंगे जहां कोई आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं। मोबाइल बंद करो, घर के लोग डिस्टर्ब करेंगे नहीं, आवाज नहीं आएंगी। और जब आप फ्रेश हो सुबह तो जरूर करना, क्योंकि रात में क्या होता है कि थके हुए रहेंगे तो रात को नींद आ जाएगी। तो रात में भी करो मगर सवेरे तो पक्का करना। और बार बार ये अफर्मेशंस, ये सकारात्मक सूचनाएं अपने आप को देते हैं और उसके साथ साथ आप विजुअलाइज करते हो, खुद को देखते हो उसमें, तो आपको इसका परिणाम बहुत जल्दी और जरूर मिल जाएगा। आपके संपर्क में आने वाले लोग बहुत ऐसे होंगे कि अपने से वो नकारात्मक बातें करते रहते हैं। सुबह उठने के बाद में रात को सोने तक लोग नकारात्मक ही बातें करते रहते हैं। ये होऊंगा नहीं, ऐसा होऊंगा नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं प्यार नहीं, काफ़ी सारे, और उससे वो असफल होते हैं। आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। आप फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर करो इसकी लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और एक सकारात्मक समाज का निर्माण हम करें। जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।